2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने अपने राज्य प्रभारी और सह प्रभारियों को नियुक्त कर दिया है। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देव को हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को पंजाब चंडीगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। बिहार के पूर्व मंत्री मंगल पांडे को पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संबित पात्रा को पूर्वोत्तर राज्य का संयोजक बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में चुनावी संभावनाओं के बीच गृह मंत्री अमित शाह सूबे के दौरे पर जाने वाले हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अमित शाह की जम्मू यात्रा को लेकर बीजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह की जयंती है और इसी दिन अमित शाह विशाल रैली भी कर सकते हैं। सूबे में अमित शाह की डोडा, राजौरी और कश्मीर के बारापुला में रैली हो सकती है। खबर तो ये भी मिली है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ने अभी से जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। 2024 की तैयारियों को देखते हुए कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। इस बीच कन्याकुमारी से राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी देश पर अपनी विचारधारा को थोप रही है। आरएसएस और बीजेपी ने देश को काफी नुकसान पहुंचाया, जबकि हमारी यात्रा का मकसद जनता से संवाद करना है। फॉर अस इन द कांग्रेस पार्टी दिस इज ए जर्नी एंड एन अटेम्प्ट एट अनडूइंग सम ऑफ द डैमेज दैट द बीजेपी एंड द आरएसएस हैव डन। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पहले ही देश एकजुट है। दिल्ली में शराब पर सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी ने आज भी शराब नीति के खिलाफ केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। बीजेपी ने केजरीवाल और उनके मंत्रियों के आवास के बाहर प्रदर्शन किया और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करने की मांग की। शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए कुर्सी पर बैठकर दिल्ली के खजाने को लुटाने का काम किया है। ऐसे भ्रष्टाचारी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जब तक उनको बर्खास्त नहीं किया जाता, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये सरकार के खिलाफ ये आंदोलन जारी रहेगा। शराब घोटाला मामले की सीबीआई जांच कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी मामले में घोटाले के आरोपों से इंकार कर रही है। एलएसी पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 12 सितंबर तक दोनों देशों की सेनाएं गोगरा हॉट स्प्रिंग के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पीछे हट जाएंगी और साथ ही एलएसी पर बनाए गए सभी अस्थायी ढांचों को भी हटा दिया जाएगा। गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके पर पिछले 2 साल से दोनों देशों की सेनाओं के बीच गतिरोध बना हुआ था। इसी साल 17 जुलाई को चुशूल मॉल्डो सीमा पर बातचीत में दोनों देशों के बीच एलएसी से पीछे हटने पर सहमति बनी। आज एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने राफेल से हिंदुस्तान के दुश्मनों को सख्त संदेश दिया। एयरफोर्स प्रमुख अपने बेटे स्क्वाड्रन लीडर निहीर वी चौधरी के साथ राफेल में उड़ान भरी। दोनों ने वायुसेना स्टेशन हासिमारा में युद्ध प्रशिक्षण मिशन के तहत फाइटर जेट राफेल को उड़ाया, ताकि भविष्य की चुनौतियों के लिए युवाओं को तैयार किया जा सके। इससे पहले एयरफोर्स चीफ ने ऑपरेशनल तैयारियों को बढ़ाने के लिए अहम विश्लेषण और उपायों की जरूरत पर जोर दिया था। आतंकी याकूब मेमन की कब्र को सजाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान के पूर्व ट्रस्टी ने चौंकाने वाला दावा किया कि याकूब मेमन की कब्र को सजाने के लिए उन्हें धमकी दी गई थी। पूर्व ट्रस्टी का दावा है कि साल 2020 में टाइगर मेमन के नाम से दी गई धमकी में कहा गया था कि अगर कब्र को नहीं सजाया गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। धमकी देने वाले शख्स ने खुद को टाइगर मेमन का चचेरा भाई बताया था। पूर्व ट्रस्टी ने खुलासा किया कि धमकी देने वाले ने कहा कि टाइगर भाई अभी भी जिंदा है और कहना नहीं मानने पर तुम्हें ठिकाने लगा देंगे। नवरात्र से पहले इंदौर में बजरंग दल का फरमान सामने आया। बजरंग दल ने गरबा आयोजकों से कहा है कि पंडालों में मुस्लिम समुदाय के लोगों को ना आने दें। अगर किसी पंडाल में मुस्लिमों की एंट्री हुई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। बजरंग दल की तरफ से इंदौर के सभी गरबा पंडाल में पोस्टर भी चिपकाए जाएंगे, ताकि सभी तक संदेश साफ साफ पहुँच जाए। बजरंग दल के मुताबिक गरबा पंडालों में आकर मुस्लिम लव जिहाद को अंजाम देते हैं। महारानी एलिजाबेथ के निधन पर भारत में 11 सितंबर को राजकीय शोक की घोषणा की गई है। गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 11 सितंबर को भारत में राष्ट्रीय शोक रहेगा और इस दिन महारानी एलिजाबेथ के सम्मान में राष्ट्र ध्वज आधा झुका रहेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर शोक जताया। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें हमारे समय के दिग्गज के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने अपने देश और लोगों को प्रेरक नेतृत्व दिया।